एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एक बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी बोर्ड से, तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको मिल सके पूरी जानकारी। साथ ही आपको ये भी बताएंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कब से होंगी और किन किन नियमों का पालन करना होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे रोजाना देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और सरकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं। आपको बता दें यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना काल में केंद्र निर्धारण से लेकर प्रायोगिक परीक्षा तक पिछड़ गई है। फरवरी और मार्च में प्रस्तावित पंचायत चुनाव भी बड़ी अड़चन हो सकते हैं। हालांकि यूपी बोर्ड की अधिकारी अपनी तैयारी पूरी करने का दावा कर रहे हैं। यूपी बोर्ड ने 2021 की परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण का प्रस्ताव पहले ही प्रशासन को भेज दिया था। पूर्व के वर्षों में अक्टूबर के पहले या दूसरे तीसरे सप्ताह तक केंद्र निर्धारण की नीति जारी हो जाती थी, लेकिन इस साल अब तक नीति फाइनल नहीं हो सकी है। इसके पीछे बड़ा कारण कोरोना है। अफसर यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि केंद्र सोशल डिस्टेंस के आधार पर तय होगा या पूर्व वर्षों की तरह बनेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2021 में इस साल 120,958 शामिल होंगे। ये संख्या पिछले वर्ष की 120,645 की तुलना में ज्यादा है, लेकिन ऐसे में छात्र संख्या भले ही 314 विद्यार्थी बढ़े हैं, लेकिन बोर्ड इस बार परीक्षा केंद्र पिछले साल से 258 की तुलना में ज्यादा बनाने होंगे। कोरोना संक्रमण के काल से सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशान किया है। पहले लॉकडाउन और फिर संक्रमण के कारण विद्यालय करीब 8 महीने बंद रहे। इसके बाद स्कूल खुले जरूर, लेकिन सिर्फ कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को अभिभावकों की अनुमति के बाद ही विद्यालय आने की अनुमति दी गई। ऐसे में एक बार लगा कि यूपी बोर्ड की छात्र संख्या प्रभावित होगी या कम या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पिछले वर्ष 1 जुलाई को परीक्षा का समय सारणी जारी हुई थी, लेकिन इस बार अब तक टाइम टेबल को लेकर कोई चर्चा नहीं है। परीक्षा के लिए कापियां हर साल नवम्बर में जिलों में भेजी जाती थी, लेकिन इस साल दिसंबर में भेजने की तैयारी है। बोर्ड क्लास 1/3 बच्चे आ रहे हैं स्कूल। यूपी बोर्ड के स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के 1/3 बच्चे ही क्लास करने पहुंच रहे हैं। हालांकि 159,305 बच्चों की अभिभावकों ने स्कूल भेजने की सहमति पत्र दिया है। 366 स्कूलों में प्राथमिक उपचार के लिए अटेंडेंट नर्स डॉक्टर काउंसलर की व्यवस्था कर ली गई थी, तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता के लिए विभिन्न टास्क टीमों का गठन कर लिया गया है। वीडियो से संबंधित अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।